और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। वेलकम बैक टू नेट ब्लॉग। तो इतने दिनों से मैं कहाँ थी आप लोग सोच ही रहे होंगे, तो मैं आपको बता देती हूँ मैं इतने दिन से कहाँ थी। ज़रा बिजी थी क्योंकि मेरे ना 5 फैमिली मेम्बर और बढ़ गए हैं, तो मुझे उनका ध्यान भी रखना पड़ता है क्योंकि मैं एक बहू हूँ, बहू जो भी होता है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो मैं घर की बहू हूँ, तो मुझे उनका भी अपने साथ साथ ध्यान रखना पड़ता है। तो वो 5 फैमिली मेम्बर हमारे कौन है, क्या आप जानना चाहते हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, मैं आपको बताऊँगी वो 5 फैमिली मेम्बर मेरे कौन है। और बाकी आई होप कि आप लोग अच्छे हों और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो मैं आजकल डेली रूटीन व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे 5 फैमिली मेम्बर और बढ़ चुके हैं, तो इस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना पा रही हूँ क्योंकि मुझे उनका ध्यान रखना पड़ रहा है बहुत ज़्यादा। वो भी चुनु मुनु से हैं, छोटे छोटे हैं, और वो कौन है आपको अगर जानना है तो मुझे ज़रूर बताना कमेंट में, मैं आपको बताऊँगी। और बाकी मैं ज़्यादा तेज़ बोल रही हूँ ना, ये कह रहे हैं कि तुम्हारी गाड़ी छुट्टी जा रही है क्या। तो चलिए आज का व्लॉग हम स्टार्ट करते हैं, और आपने थंबनेल पे तो देख ही लिया होगा कि आज का व्लॉग मैं किस चीज़ पे बना रही हूँ, फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ जिसको सुन नहीं आया हो तो उनके लिए मैं आपको बताती हूँ। Q&A रखा था मैंने इंस्टाग्राम पर, तो उसका आंसर मैं इस पर दूँगी अपनी व्लॉग पर। तो मैंने उनसे वैसे बता दिया था, उस पर लिख दिया था मैंने कि इस Q&A का आंसर आपको मेरे व्लॉग में देखने मिलेगा, तो उसी का आंसर देने के लिए आज मैं आई हूँ आपके लिए। तो चलिए उसका आंसर मैं आपको देती हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, देखते हैं किसका है। मोबाइल कहाँ है? यह है मोबाइल। तो सबसे पहले क्वेश्चन किसका है? क्वेश्चन आजकल ना मुझे बोलते बोलते मतलब मैं लड़खड़ा जाती हूँ क्योंकि मेरे ना यहाँ पर यहाँ और यहाँ मतलब वो निकल रहा है, क्या बोलते हैं उसको, छाला मुआ जो भी आप अपनी भाषा में बोलते हो, मैंने दोनों बता दिए। तो मेरे वो निकलना है यहाँ पर और एक यहाँ पर, तो मुझसे बोला नहीं आ रहा। और 3 दिन से गाइस मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मुझे हो गया था बुखार और पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द था मेरे। मैंने डॉक्टर को दिखाया, अमायरा की भी तबीयत ख़राब थी, अमायरा को भी दिखाया, तो उन्होंने बोला कि वायरल फीवर है, कुछ नहीं है। और मैंने अपने ब्लड टेस्ट भी करवा लिया था जाने से पहले, तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं है, आपकी रिपोर्ट बिल्कुल क्लियर है और आपको सिर्फ एक वायरल फीवर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो पहला क्वेश्चन आपको दिखाती हूँ मैं और आपको भी बताते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा मून गर्ल, हाय आप बहेड़ी में कहाँ रहती हैं? मैं भी बहेड़ी से हूँ, लाइन पार से। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये, तो इसका आंसर मैं आपको दे देती हूँ। हाँ मैं बहेड़ी से हूँ और कहाँ रहती हूँ, मैंने आपको ये पहले भी बताया था, पहले भी मैंने Q&A रखा था उसमें भी मैंने ये आंसर दिया था, कोई बात नहीं मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ। तो मैं बहेड़ी में रहती हूँ और बहेड़ी में मैं रहती हूँ होली चौराहे पे, मौला शामिया की गली के पास। तो आप लोग भी मिलने के लिए आ सकते हो, कोई इशू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, जिसको भी मिलना हो तो इनडायरेक्टली हमारे घर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ पहले मुझसे पूछ लेना क्योंकि मैं ज़्यादातर देखो बाहर ही जाती रहती हूँ घूमने के लिए या कहीं भी शॉपिंग वगैरह के लिए, तो इसलिए आप लोग जब भी आएँ तो मुझसे पहले पूछ लें। वैसे तो मैं घर पर मिल जाऊंगी लेकिन कुछ पता नहीं है मेरा, मैं कब निकल जाऊं घूमने फिरने, तो इसलिए आप पूछ लेना। अगर मैं नहीं मिली तो मेरी फैमिली में तो लोग मिल ही जाएंगे आपसे, कोई दिक्कत नहीं है, और बच्चे तो घर पर ही रहते हैं, बच्चे भी मिल जाएंगे। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं किसका है। ढूंग ढूंग ढूंग। तो दूसरा क्वेश्चन है हमारा जुनेद CHK रॉय बॉय, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपकी स्माइल बहुत अच्छी है, इसका क्या राज है, प्लीज़ टेल मी। मेरी स्माइल अच्छी है क्या, ये बात सच है? तो थैंक यू सो मच, आपने मेरी इतनी तारीफ़ करी। तो मेरी स्माइल क्यों अच्छी है इसका तो मैं आपको जवाब नहीं दे सकती हूँ, स्माइल तो सबकी अच्छी होती है, बस अपना अपना नज़रिया है, अपना अपना आँखों का फ़र्क है। तो चलिए हम बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन है हमारा अदा अंसारी 05,
आप दोनों की जोड़ी माशाल्लाह बहुत प्यारी है, नज़र ना लगे। थैंक यू सो मच। और सब यही बोलते हैं कि आप दोनों मतलब हस्बैंड वाइफ नहीं है, कपल ही लगते हैं। और सच में ही हम कपल हैं, हस्बैंड वाइफ भी हैं लेकिन हम कपल हैं। तो थैंक यू अदा। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने चौथे क्वेश्चन की तरफ। और पहले मैं एसी ऑन कर लेती हूँ, मुझे लग रही है गर्मी, पसीना आ रहा है, देख लो गाइस। तो चलिए, हाँ, अली मोहम्मद आमिर, आमिर्स लगाए इन्होंने अपने आगे, अली मोहम्मद आमिर, आपने वोट किसको दिया? देखो मैंने वोट किसको दिया मैं आपको बता देती हूँ, मुझे कोई वो नहीं है, एतराज़ नहीं है। तो मैंने वोट दिया है बीजेपी को, कमल के फूल को, क्या नाम है उनका, जितिन प्रसाद, जितिन प्रसाद को दिया है मैंने वोट। नाम भी नहीं पता था मुझे, तो बस मैंने कमल को दिया है, तो जितिन प्रसाद को मैंने दिया है वोट। और मेरा वोट मेरा अधिकार, तो इसमें मुझसे कोई कुछ नहीं कह सकता है। देखो मेरा वोट मेरा अधिकार, कितने लोगों ने ना मुझसे कहा भी है कि आपने उनको क्यों दिया, ऐसे क्यों दिया। तो देखो मेरी मर्जी है, मैं किसी को भी वोट दूँ और आपकी अपनी चॉइस है। हमने तो नहीं पूछा ना आपने उसको क्यों दिया, मतलब जिसने भी साइकिल कोई पंजे को जिसको भी दिया हो, मतलब मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। तो मैंने तो नहीं कहा ना आपसे आपने उनको क्यों दिया, उनको क्यों दिया। और देखो दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है ना, तो सबकी अपनी वजह है कि वहाँ लड़ाई हुई, यहाँ लड़ाई हुई, तो सबकी अपनी मर्जी है क्यों लड़ाई हो रही है, क्यों हो रही है, हम कुछ नहीं पता। देखो मेरा वोट है मेरा अधिकार है, तो मैंने उनको दिया है, मेरा दिल था मैंने दे दिया। और हाँ ये बीजेपी में वो भी हैं, नगर महामंत्री भी हैं, तो चलिए इस बात को रफा दफा करते हैं। अब पढ़ते हैं हम अपने 5 क्वेश्चन की तरफ। तो वो है मोहम्मद कासिम, मोहम्मद कासिम 9 नंबर है फिर आगे। कहाँ से हो? मैं हूँ बहेड़ी से, और बहेड़ी से ही हूँ मैं। और देखते हैं, चलो अजान इनायत, अजान क्या है जिसे तुमने कराया मैसेज? मम्मा आप इतने क्यूट क्यों हो, अरे वाह। अजान तो कर नहीं सकता, इन्होंने ही कराओ, समझ सकते हो। तो इन्होंने मेरा मैसेज कराया, मतलब अजान ने कराया, अजान की आईडी से है ये। और जिसने भी अजान की आईडी फॉलो नहीं करी है तो जल्दी से जाके अजान की आईडी फॉलो कर ले, उस पर मैं अजान की रील्स वगैरह डालती हूँ अच्छी अच्छी। और अमायरा की भी आईडी है, मैं नीचे आपको मेंशन कर दूँगी। तो अजान की आईडी है अजान इनायत 00, जैसे मेरी आईडी है ना, बस उसके आगे अजान का नाम है, मतलब ऐसे उसमें बीच में वो है और ऐसे 00 है, बिल्कुल सेम वही है, बस मेरी जगह अजान का नाम है। और अमायरा की भी सेम ऐसी है, हमारी सबकी ऐसी है। और एक हमारी फैमिली आईडी है, वो भी मतलब उसमें भी सेम वो ही है, बस मेरे आगे हिफ्ज़ा लिखा है, तो उसकी जगह आपको अमायरा का लिख देना है या अजान का, ये फैमिली तो हमारी आईडी आ जाएगी। तो अजान ने कहा है मम्मा आप इतनी क्यूट क्यों हो, तो मैं आपको दिखा देती हूँ, ये है। तो मैं इतनी क्यूट क्यों हूँ, क्योंकि तुम छोटे छोटे क्यूट बेबी हो, इसलिए मैं इतनी क्यूट हूँ। चलिए, इट्स ब्लैक लवर, इन्होंने मुझे क्वेश्चन करा है, आपको अपने पास्ट में वो कौन से 3 पर्सन हैं जिन्हें आप बहुत मिस करते हैं? अच्छा, तो ये जो है ये मेरे क्लासमेट हैं, तो इन्होंने मुझे क्वेश्चन करा है कि आपको अपने पास्ट में वो 3 कौन से पर्सन हैं जिन्हें आप बहुत मिस करते हैं। तो आपको मैं बता देती हूँ मेरे पास्ट में ऐसे 3 पर्सन कौन हैं जिनको मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ। तो फर्स्ट है, फर्स्ट कौन है मुझे तो नहीं पता, सोच लेती हूँ कौन है मेरे पास में से 3 पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन है मेरी, कौन जो है वो दुनिया में नहीं है। चलो कोई बात नहीं, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ, जो है देखो वो दुनिया में नहीं है, फर्स्ट पे जो है। और सेकंड पे है मेरी क्लासमेट हैं जो भी हैं, देखो मैं एक का नाम लूँगी तो 10 बुरा मानेंगे, इसलिए मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ। सबको मैं बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, तो इसलिए मैं आपका नाम नहीं लूँगी, मतलब किसी का नाम नहीं लूँगी। और जो मेरी फ़र्स्ट पे थी वो दुनिया में नहीं है, तो इसलिए मैंने उसका फ़र्स्ट पे नाम ले दिया है। और बाकी देखो मैं एक का नाम लूँगी तो 10 बुरा मानेंगे, तो मेरे लिए सब एक बराबर है, इसलिए मैं किसी का नाम लेना नहीं चाहती हूँ। तो आप सब मेरे लिए इक्वल हैं, इक्वल हैं, ठीक
ठीक है, चाहे वो पास्ट हो या अब हो, जब भी हो, ठीक है। तो आई एम सो सॉरी, इस क्वेश्चन का आंसर मैं नहीं दे सकती हूँ। और बाकी देखो, चाहे मेरे क्लासमेट हो या मेरे कॉलेज फ्रेंड हो या मेरे मतलब बचपन के वैसे चिल्ड्रन फ्रेंड हो, तो सब मेरे लिए इक्वल हैं, इक्वल हैं, ठीक है। तो सॉरी, इसका आंसर मैं नहीं दे सकती हूँ। तो चलिए दूसरा क्या बोलूँ, जो सभी है ये देखते हैं। माय क्यूटी सो ने क्वेश्चन करा है, हेलो हाय भाभी, वोट कर दिया तुमने और किसको करा है वोट बताओ। तो मैंने वोट करा है बीजेपी को, और ये मैंने पहले भी बता दिया है, तो इसलिए मैं इतनी लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगी। तो मैंने दिया है बीजेपी को। और ऑफिकल बादशाह ने मुझसे क्वेश्चन किया है, तुम सागर में रहती हो, सागर में सागर का होगा, नहीं भाई, मैं सागर हो या सागर हो, जो भी आपने कहा है समझ में नहीं आ रहा। इसमें सागर लिखा है, सागर एक पानी वाला सागर होता है और एक सागर है यहाँ पे, एस ए जी ए आर, सागर लिखा है, हाँ एस ए जी ए आर, सागर हो गया, हाँ सागर। अब वो सागर पानी वाला हो या फिर सागर हो, तो मैं इन दोनों में कहीं नहीं रहती हूँ। मैं रहती हूँ होली चौराहे पे और बहेड़ी में, दुनिया में, घर में। तो तीसरा जो आंसर भी है, तीसरा क्या आएगी, जो आंसर भी क्वेश्चन है, ऑफिकल जन्नत, आप रील्स बहुत अच्छी बनाती हो और आप हो बहुत अच्छी। तो थैंक यू सो मच, मेरी इतनी भी तारीफ मत करो गाइस, मेरे शर्म से गाल लाल हो जाएंगे, फिर मुझे ब्लश की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो थैंक यू सो मच जन्नत, नाम अच्छा है जन्नत, मैंने तो नाम ले लिया उसमें ऊपर ही लिखा था मेरा नाम मत लेना। तो इनका नाम मैं नहीं लूँगी, वो मैं कट कर दूँगी जो मैंने पीछे लिया था। तो इन्होंने कहा है, मेरा नाम मत लेना व्लॉग में प्लीज़, आप ये बता सकती हो वलहम से कैसे मिल सकते हैं और उनके साथ व्लॉग कब। तो उनसे कैसे मिल सकते हैं ये तो मैं आपको नहीं बता सकती हूँ, नो आइडिया, वो तो आप वलहम से ही पूछो। और वलहम, हाँ कितने लोगों ने ना मुझसे कहा था तुमसे नाम लेना नहीं आता, वलहम 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 कर रही हो, तो वलहम है आई नो, लेकिन प्यार में इंसान कुछ भी कह सकता है, और मैं हूँ अपने भाई की शहजादी, तो मैं कुछ भी कह सकती हूँ अपने भाई को, चाहे वलहम कहूँ, वलहम कहूँ या कुछ भी कहूँ, इससे आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो चलिए, मेरा नाम मत लेना व्लॉग में प्लीज़, आप ये बता सकती हो वलहम से कैसे मिल सकते हैं और उनके साथ व्लॉग कब। तो उनके साथ व्लॉग इंशाल्लाह आपको 2 दिन बाद देखने मिलेगा, 27 तारीख का व्लॉग बनाऊंगी मैं वलहम के साथ में जाके। और बाकी उनसे आप कैसे मिल सकती हो ये मैं आपको बिल्कुल नहीं बता सकती, नो आइडिया, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता रहता मैं कब मिल रही हूँ, कैसे मिल रही हूँ, वो बहुत बिजी रहता है ना, इसलिए मेरा भाई बहुत मेहनती है। तो चलिए और आके देखते हैं आपकी एज कितनी है। तो मेरी एज कितनी है मैं आपको बता देती हूँ। तो कितने लोग ना फेक मतलब झूठ सोचते हैं, तो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मेरी एज है इस टाइम 19 है ना, मेरी एज अभी 19 है, और मैं आने वाली 10 तारीख को, 10 मई को मेरा बर्थडे है, और 10 तारीख को मैं हो जाऊँगी पूरी 20 की, 20 मैंने कम्प्लीट हो जाए, स्टार्ट होंगी या कम्प्लीट होंगी, हाँ कंप्लीट हो जाएंगे। और 10 मई को मेरा बर्थडे है, तो कोई भी आप मुझे भी विश कर सकते हैं। तो हमारा फिर क्वेश्चन है BTW ब्लैक विडोज, आपका फेवरेट फूड क्या है। तो मेरा फेवरेट फूड सी फूड में पूछ रहे हो या वैसे फूड में पूछ रहे हो, अब मैं क्या आंसर दूँ इस बात पे। तो मेरा, मैं आपको दोनों दे देती हूँ, सी फूड में मेरा फेवरेट है वाइट सॉस पास्ता, एंड मेरा वैसे फेवरेट है खाने में तो मुझे वैसे कुछ पसंद नहीं है, रोटी चाय, हाँ मैं देसी घी की रोटी और चाय खाती हूँ, क्योंकि मुझे खाना अच्छा नहीं लगता है, बस मैं मन बुलाने के लिए मतलब पेट भरने के लिए खा लेती हूँ जो मिलता है, तो वरना मुझे खाना बिल्कुल कुछ भी पसंद नहीं है। तो मैं, अगर कोई मुझसे पूछे भी ना कि मैं आपके लिए क्या बनाऊँ, तो मैं उसको कुछ नहीं बता सकती हूँ। तो मैं उस कहीं जाती हूँ ना, तो मैं यही कहती हूँ कि मुझे बाहर से ना मुरादाबादी बिरयानी ला के दे दो, मैं उसी से पेट भर लूँगी।
और वैसे मुझे वाइट सॉस पास्ता पसंद है। तो BWD का क्वेश्चन है, आपका फेवरेट कलर क्या है? एंड लॉट्स ऑफ लव फॉर अज्जू एंड अमो। तो मेरा फेवरेट कलर कौन सा है? मेरा फेवरेट कलर कोई भी एक नहीं है, एक चीज़ पे कभी नहीं टिकना चाहिए। ये तो मैंने कुछ गलत कह दिया, वक्त के हिसाब से आपको बदल जाना चाहिए। चलो जो भी हो, मेरा फेवरेट कलर एक नहीं है। देखो कभी मुझे अंगूठी कलर अच्छा लगता है, मतलब जो कपड़े पहनती है ना वो कलर अच्छा नहीं लगने लगता है। कभी मुझे पिंक कलर अच्छा लगता है, कभी मुझे ब्लैक अच्छा लगता है, कभी मुझे अंगूठी, कभी वाइन, कभी और माहिरा खान ने मुझसे क्वेश्चन करा है, वलहम के साथ व्लॉग कब देखने मिलेंगे? तो वलहम के साथ आपको व्लॉग देखने मिलेंगे हमारे, कब देखने मिलेंगे? 27 तारीख को, 27 अप्रैल को कहीं पर शादी है और उस शादी में मैं जाऊंगी, तो आपको वहीं पर मेरा व्लॉग देखने मिलेगा वलहम के साथ। और तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैमरा साफ कर लो बन। यू मे बी ऑल्सो रेजिडेंट ऑफ हल्द्वानी। तो मैं हल्द्वानी से नहीं, मैं बहेड़ से हूँ। और इसके थोड़े ना मुझे समझ में नहीं आई बात, क्या कहना चाहते हैं, मतलब तुम हल्द्वानी, अब मेरे ख्याल से समझ में नहीं आ रही, इसको कट करते हैं। वैसे मैं बहेड़ी से हूँ और बाकी मेरे को समझ में नहीं आई। आप बहेड़ी फिजी जो भी है, आप बहेड़ी से हो ना? हाँ मैं बहेड़ी से हूँ, जी हाँ मैं बहेड़ी से हूँ। हेलो, जी हाँ मैं बहेड़ी से हूँ। थोड़ी थोड़ी ना मैं आपको कुछ मजाक भी कर लेती हूँ, तो बुरा मत मानना। अल्फेज, आप कितनी पढ़ाई की है, आपने कितनी पढ़ाई की है? मैंने BA फर्स्ट ईयर मेरा चल रहा था, उस दौरान मेरी शादी हो गई, तो इसलिए मेरी पढ़ाई रह गई अधूरी। तो मैं कर रही थी BA, फर्स्ट ईयर था मेरा हल्द्वानी से, MBBG कॉलेज से, तो मेरी वो अधूरी रह गई है। तो इस बात को क्या, मेरी पढ़ाई अधूरी रह गई, और इंशाल्लाह मैं उसको कंप्लीट करूँगी बस 2-3 साल बाद। जो या आपकी लव मैरिज है या अरेंज? मेरी लव मैरिज है, जी हाँ मेरी लव मैरिज है। लव को हमने अरेंज किया था, मतलब हमारी लव प्लस अरेंज है, हमने ऐसी वाली लव नहीं करी थी, ऐसे वैसे कर लेते हैं। हमने पूरी अच्छे से शादी करी थी, धूमधाम से करी थी, सब फैमिली वाले थे, सब खुश थे, बहुत इन्जॉय करा था। और मैं अपनी ना एक शादी की वीडियो बना के इसमें डालूंगी, वैसे तो ऐसे मैं वीडियो नहीं बनाई, व्लॉग में ऐसी चल के, तो जो भी है मैं आपको मतलब इसमें जोड़ थोड़ के दिखा दूँगी जैसी भी होगी, ठीक है। जोया ने एक और क्वेश्चन किया है, आप इतने फिट कैसे हो? मैं इतने फिट कैसे हूँ मुझे खुद नहीं पता। मैं फिट कहाँ से दिख रही हूँ आपको? मैं तो खुद जिम जाने की सोच रही थी, आजकल ना थोड़ा खा खा के पेट सा निकल गया है, तो मैंने सोचा जिम जाऊँ। मेरे साथ कौन कौन जिम जाएगा कमेंट में ज़रूर बताना। लेकिन जिम की ना टाइमिंग फिक्स नहीं हो पा रही है मेरी, सर्दियों में मैंने सोचा था तो उस टाइम मैंने कहा 5 बजे से स्टार्ट होती है, मैंने कहा 5 बजे तो मेरी रात होती है, मतलब मैं सोती हूँ, तो मैं जिम कब करूँगी? और जिम जाऊँगी तो फिर मैं सोऊँगी कब? बच्चे ही सुबह उठ जाते हैं, तो इस वजह से मेरी जिम की मतलब वो कन्फर्म नहीं हो पाई थी। तो देखते हैं आगे चलने की, देखते हैं गर्मियों में कौन सी टाइमिंग होती है कमरे गमरे की, गर्मी में चलेंगे। फिज़ा अली खान ने मुझसे कहा है, आप एक्स्ट्रा फिज़ा अली खान ने मुझसे कहा है, आप एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो? क्वेश्चन है तो ये आपका बहुत ही भयात क्वेश्चन है, बहुत ही सड़ा हुआ, बहुत ही भयात क्वेश्चन है। आप एक शादीशुदा तो बच्ची की माँ से ऐसी बात करें, अफेयर गलत बात है। तो चलिए इस क्वेश्चन को मैं डिलीट ही मार देती हूँ, बहुत ही भाई याद बात की आपने, इस पे मैं ये वीडियो लगाऊंगा। ये बड़ी ही विचित्र और भाईयात बात की है। तो ऐसी सड़ी हुई ग्रीवी बातें मुझे पसंद नहीं है।
तो चलो, रिजवान मिकरानी ने हमसे कहा है यूट्यूब से कितना कमा लेते हो, तो मैं यूट्यूब ना कमाने के लिए नहीं बना रही हूँ, यूट्यूब का एक मेरा मतलब एक मेमोरीज इसमें मेरी कलेक्ट हो जाती है और एक आप लोगों से मैं जुड़ जाती हूँ, तो मेरा कोई मतलब फेमस होने का या पैसे कमाने का कोई भी आइडिया नहीं है, और माशाल्लाह हमारे पास कोई ऐसी कोई कमी नहीं है जो मैं पैसे कमाने के लिए सब करूं। तो काफ़ी लोगों ने मुझसे ये ना मतलब फेस टू फेस भी क्वेश्चन कर लिया कि आपकी कितनी कमाई होती है, क्या होती है, तो भाई देखो मैं कोई कमाने वमाने के लिए सब नहीं कर रही हूँ, मुझे इस चीज़ का बचपन से ही शौक़ है यूट्यूबर बनने का और एक सेलिब्रिटी बनने का, मुझे बचपन से ही शौक़ है, तो इस वजह से मेरा कोई कमाने का पर्पज़ नहीं है और अभी इसमें कोई कमाई नहीं है मेरी, बस मैं कि अपना टाइम पास और अपना एक मेरा जो ड्रीम है इसको मैं पूरा कर रही हूँ, और एक मेरी इसमें मेमोरीज भी कलेक्ट हो जाती हैं बच्चों के साथ, सबके साथ, और आप लोगों के साथ मेरा एक अच्छा बॉन्ड बन जाता है, तो इस वजह से मैं ये बनाती हूँ, बाकी कमाई का और कोई ऐसा मेरा मतलब नहीं है वीडियो बनाने का। बाकी सबसे अच्छी बात यह है ना कि आपसे और हमारी और आपकी बातचीत होती रहती है, इस बहाने आप लोग मुझे जान लेते हो, पहचान लेते हो, मेरी बातें सुन लेते हो, आपको भी अच्छा लगता होगा और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है आप लोगों से मिलना, बातें करना। कल भी मुझे कुछ लोग मिले थे, उन्होंने भी मुझसे बातें करी, मुझे बहुत अच्छा लगा, और मुझे ना शुरू से बचपन से शौक है यूट्यूबर बनने का, और मुझे रील्स बनाने का बहुत शौक है, और पहले टिकटॉक थी, टिकटॉक पे मैं बहुत ही ज़्यादा वीडियो बनाती थी, अब तो वो बैंड हो गई है, तो मैंने इंस्टा पे स्टार्ट कर दी और यूट्यूब पे स्टार्ट कर दी, बाकी मेरा कोई कमाई वमाई का कोई भी वो नहीं है, और ये मेरे हस्बैंड को पता चला ना बहुत मारेंगे मुझे और मेरे घर वालों ने भी मतलब मेरे ससुराल वालों ने भी मुझे इजाज़त दे रखी है कि आपका शौक है कोई बात नहीं है, आप बना सकते हो बना लो, तो इसलिए मैं बना लेती हूँ, जिस दिन मुझे मना करते हैं मैं नहीं बनाऊँगी। और रिजवान मिकरानी ने एक और कमेंट वो किया है क्वेश्चन, उमेर भाई से भी ब्लॉगिंग करवाया करो, तो उमेर भाई मतलब तुम्हारे भाई ही हैं, तो उनसे मैं ब्लॉगिंग नहीं करवा सकती हूँ, उनका दिल होता है तो वो अपने आप कर लेते हैं, बाकी मैं किसी को मतलब फोर्स नहीं करती हूँ करने के लिए, बाकी वो भी कर लेते हैं। हल्द्वानी का ब्लॉग बहुत अच्छा शूट करके लाए थे वो मेरे लिए, और बाकी जो थोड़ा बहुत जो होता है वो कर लेते हैं, बाकी उनको इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है, मुझे इंटरेस्ट है मैं बना लेती हूँ, यही बात है, बाकी वो भी बना लेंगे क्योंकि मुझे इंटरेस्ट है तो उन्हें भी हो जाएगा, धीरे धीरे सब धीरे धीरे होगा, एकदम कुछ नहीं होता है। तो रिजवान मित्रानी ने एक और कमेंट किया है, नाइस व्लॉग होते हैं, व्लॉग में दिन की भी बात और फूड न्यू डिश भी बनाया करो। ठीक है, मैं अच्छे अच्छे फूड भी बना के दिखाऊँगी आपको, और बाकी मैंने कुछ फूड बनाए थे वो भी मैं आपको वीडियो दे दूँगी। एक तिरंगा है, वो हमारी खुद की रेसिपी है, तिरंगा नाम है उसका, हमने ही रखा है नाम, क्या है तिरंगा भी नाम हमने रखा है, उसकी रेसिपी मैं आपको दूँगी शॉर्ट वीडियो में दूँगी, और उसकी रेसिपी भी आपको कैसे चाहिए वो भी मैं आपको दूँगी पूरे ब्लॉग में बना के। और क्वेश्चन कहाँ गए, अरे बाप रे, और क्वेश्चन मेरे कहाँ गए, तो एक और आइडिया उन्होंने मुझे मैसेज करा है कि आप बहुत ही ज़्यादा क्यूट हो, तो थैंक यू सो मच, मैं तो क्यूट हूँ और आप भी क्यूट हो। तो यहीं तक थे हमारे ये QA, और इसको आप मैं यहीं पर एंड करती हूँ, QA भी ख़त्म हो गए और इस व्लॉग को भी यहीं एंड करती हूँ, और बाकी आपको अगर जानना है कि हमारे 5 फैमिली मेम्बर कौन है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, तो मैं उनके बारे में भी आपको बताऊँगी। तो इसी के साथ हम इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं, दे लो इसको ना, ये चाहिए होता है ये प्यूं प्यूं। इसको बस यही पसंद है। तो चलिए गाइस, बाय बाय, टाटा। अज बाय कर दो, बाय 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 बाय, ओके बाय, लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब।
के साथ आज की मजदूरी यहीं खत्म करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई तो लाइक मारो यार। मुझे नहीं पता, मुझे 2 मिलियन लाइक्स चाहिए कैसे ना कैसे करके, मुझे चाहिए। इतना झिला मैं कभी नहीं हूंगा अपनी पूरी जिंदगी में जितना इसमें झिला हूं। मुझे चाहिए ही चाहिए, तो लाइक मारो। और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे पैसों के पीछे भागना है। बाय।